एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ बचपन से. मुझे बचपन में कविताएं लिखने का बहुत शौक था, और जब कविताएं सुनाई जाती हैं, लोग सुनाते हैं नॉर्मली, मैं उस कविताओं को परफॉर्म करता था दिल्ली में बचपन से ही. तो मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले उसके लिए, और लोगों ने मुझे प्रेरित भी किया कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो इसको सीरियसली लीजिए. तो मैंने दिल्ली में एक्ट वन ग्रुप को ज्वाइन किया, एन के शर्मा जी का. वहाँ मैंने कुछ साल उनके साथ थिएटर किया काफ़. और एन के शर्मा जी का इतिहास में अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक मैंने ज्वाइन किया था, ये हुआ था कि वो स्मॉल स्मॉल रोल देते थे सबको, लेकिन मैं थोड़ा पहले से परफॉर्मेंसेस करता था, तो जाते ही मुझे मेन लीड में उन्होंने दे दिया था काम, और उनको बहुत पसंद आया था. मैंने काफ़ी शोज किए उनके साथ. फिर मैं एक टाइम बाद बॉम्बे शिफ्ट हुआ, तो मैं थिएटर नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है इतनी आसानी से बॉम्बे में काम नहीं मिलता है, आपको टाइम लगता है. तो जाते ही मैंने किसी भी तरीके से एक बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ी, वो कुछ भी करके मैं नीना गुप्ता जी का और राजेंद्र गुप्ता जी के ग्रुप में, सहज ग्रुप में एंटर कर गया, और उनके साथ मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की. पाकिस्तान भी गया मैं, लाहौर भी शो करके आया, और बहुत सारे ट्रैवल किया सिटीज़ में, बहुत सारे शोज किए उनके साथ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला. तो मुझे लगता है कि थिएटर या कोई किसी भी तरह की ट्रेनिंग जब आप करके आते हैं, तो वो एक आपको अलग तरह का कॉन्फिडेंस देती है. तो जी, मेरे जो मैं काम करता हूँ, जैसा भी कर पाता हूँ, उसमें मेरे पीछे थिएटर का बहुत बड़ा हाथ. जैसे सर, क्रिकेटर बनने के लिए आपको हर रोज नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको बढ़िया बड़ा सिंगर बनने के लिए आपको रोज रियाज करना पड़ता है, वैसे ही एक्टर को भी रोज अपने आप पे काम करना होता है. जो एक प्रोसेस है, जो मतलब जैसे कहते हैं कि आप खाना खाना नहीं भूल सकते, वैसे ही आप अपने आप पे काम करना नहीं भूल सकते. वो मैं बहुत नसीर सर से मैंने वो सीखा, और मैं वही फॉलो करता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे मैं आज भी, अगर मैं अभी आपसे इंटरव्यू के लिए आया हूँ, तो मैं सुबह जल्दी उठ के अपनी जो मेरी एक्सरसाइजेस हैं, या जो मुझे उस पर काम करना होता है एक्टिंग के, वो मैं करके आया हूँ. तो मैं अगर मैं लेट नाइट भी घर पहुँचा, तो भी मैं कंप्लीट करके सोऊंगा, ये टास्क है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन मेरा कुछ एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, और मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ उससे. जो मैं कोशिश करता हूँ कि फिल्मों में या जहाँ भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं रियल रहूँ उसके लिए. तो जी, आई थिंक ये मेरी रोज की प्रैक्टिस है, रियाज है, जो मुझे आई थिंक थोड़ा बेटर करता जा रहा है डे बाई डे. जब मैं थिएटर भी कर रहा था, तो मेरी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद लोग मुझे रोल्स ऑफर करते थे, लेकिन वो उस तरह के रोल्स में करना नहीं चाहता था. वो आज भी मैं बहुत ही पर्टिकुलर चूज करता हूँ रोल की, मुझे जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपनी यू नो शिद्दत से मैं कर सकता हूँ, अपनी दिलो जान डाल सकता हूँ उस रोल के अंदर. तो वो मैं थोड़ा सा चूज ही था शुरू से, पर परफॉर्मेंसेस की वजह से, और जो मुझे लोगों से लाइव ऑडियंस का एक, जब आप थिएटर करते हैं, तो जब आप ऑडियंस से फील एक होता वाइब मिलती है, आपको समझ में आता है कि वो आपके कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो वो मेरे साथ था. वो मुझे हर बार कुछ तारीफें मिलती थी मेरे काम को लेकर, और मेरे गुरु बहुत बड़े थे, नसीर सर, वो मुझे पिन पॉइंट करते थे. मैं हर दिन, मुझे लगता था मैं कुछ बेटर होता जा रहा हूँ, तो मुझे पता था आज नहीं तो कल मेरा टाइम आएगा. और वही हुआ, मेरा टाइम आया, और मुझे पहली फिल्म ही प्रियंका चोपड़ा सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला, और संजय लीला बंसारी सर ने मुझे लॉन्च किया, जो बहुत बड़ी बात है. तो या मुझे लगता है कि जो मेरा काम और रोज मुझे अपने आप पे मेहनत करने का जो था, जो मैं आज भी करता हूँ, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है. वो मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा हमेशा मेरे साथ रहा है. हर काम को एक मेथड यूज करता हूँ मैं, अपनी इमेजिनेशन यूज करता हूँ हर कैरेक्टर के लिए, उसका पूरा ग्राफ बनाता हूँ, वो कैसा है, तो ऐसा है, तो क्यों है, और तो वो उस ग्राफ को लेके चलता. तो दोनों का मेरा सॉर्टेड था कि ऑनलर कॉम, क्योंकि वो मैं बायोपिक कर रहा था, तो बहुत ही एजी काम होता है. जब आप बायोपिक करते हैं, तो बहुत ही खतरा होता है कि या तो आप मिमिक करने लग जाएंगे, या फिर आप वो कैरेक्टर ही लगेंगे. तो वो ऑब्जर्व करना था मुझे, और ये मेरा इमेजिन किया हुआ कैरेक्टर था कि हाँ, ऐसे लोग होते हैं, और देखे थे मैंने सतबीर जैसे, जो मैंने एनएसएन में प्ले किया. तो दोनों का एक बहुत कमाल का किस्सा भी है, शायद प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि जब प्रियंका और अनुष्का दिल धड़कने दो की शूटिंग के लिए मिले थे, तो प्रियंका कहती थी कि दर्शन जैसा स्वीट और अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा,
और अनुष्का लग रही थी कि उससे, मैं पता नहीं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कि नहीं, उससे कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा. एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ उस कैरेक्टर को जीने की, मैं उसी मूड में रहता हूँ. जब मैं शूट के लिए निकलता हूँ तो मैं दर्शन भी निकलता है, एज ए कैरेक्टर बाहर निकलता हूँ. तो मैं पूरी NH10 में मैंने अनुष्का को हाय भी नहीं बोला था पूरी फिल्म में. उनका एक अपना ग्रुप होता था, मैं एक कोने में बैठा होता था, कोशिश करता था कि उस कैरेक्टर को जीऊँ, दोनों को बैलेंस करते हुए. जब मैं टाइम लगता था, लेकिन हाँ पूरा एक या दो दिन जब बीच में गैप होता था या मुझे दो दिन का गैप मिला तो मैं कोशिश करता था उस कैरेक्टर में घुस जाऊँ. तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता था कैरेक्टर में जाने के लिए. सर, एज एन एक्टर मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोल ही करना चाहता हूँ, वही मेरा मोटिव है मेन तो. और थिएटर में मैंने बहुत सारे, जैसे आपने बोला, कॉमेडी के शोज किए हैं और जिसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली है, लेकिन अभी तक मैंने इंडस्ट्री में ऐसा काम नहीं. थोड़ा बहुत मेरा काम कॉमेडी टच कह सकते हैं, बट वो उतना, उसकी बहुत अप्रिसिएशन हुई आश्रम में बिगनिंग में, क्योंकि मैं वो हरियाणा का एक जो ठेठ एक उजागर सिंह जो कैरेक्टर है तो उसमें बहुत तारीफ हुई और लोगों ने बहुत मुझे और भी बोला कि आप तो और करना चाहिए. तो मैंने कहा वो कैरेक्टर की जितनी लिमिटेशन थी उतना मैंने उसमें किया. लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, तो अगर मुझे वो मौका मिला करने का तो डेफिनेटली मैं उसमें अपनी जान डालने की कोशिश करूँगा. उसके अलावा जहाँ तक एक्शन फिल्म, जो आप रोहित शेट्टी सर की फिल्में बोलते हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि एक्टर का काम होता है जब आप जो भी सिचुएशन मिले उसमें ट्रू रहें. हाँ, और एक्टिंग का ये है कि इसमें कोई लेवल नहीं होता, कोई लाउड एक्टिंग नहीं होती, कोई अंडर एक्टिंग नहीं होती, कोई सिचुएशन होता है, आप ट्रू हो या फॉल्स हो. अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है तो मैं चिल्ला के भी बोल सकता हूँ उस पर, और हो सकता है मैं ऐसे भी धमकी दे सकता हूँ, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. तो आप वो दोनों चीज़ में ट्रू होंगी नहीं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें जीऊँ. तो अगर मुझे वो फिल्में मिलेंगी तो मैं डेफिनेटली वो करना चाहूँगा. हमारी ऑडियंसेस अभी सारा इंटरनेशनल कंटेंट देख रही है, चाहे वो डब्ड है या इंग्लिश में है, जिस भी लैंग्वेज में है. तो वो अच्छी एक्टिंग, अच्छी स्टोरी, उसके बारे में बहुत अवेयर हो गई है. उनको अब समझ में आने लगा कि ये अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये अच्छी फिल्म है या वेब सीरीज है कि नहीं है. तो अगर वो उनको नहीं समझे तो नकार देते हैं, ओपनली नकारते हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया. तो जब आप, तो ये अभी इस चीज़ ने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जितने भी एक्टर्स, सबके ऊपर एक थोड़ा प्रेशर डाला है कि बेस्ट काम दें, और वो होना भी चाहिए. क्योंकि एज ए ऑडियंस, अगर ऑडियंस हमारी फिल्म या वेब सीरीज या जो भी कुछ देख रही है, हमारा काम देख रही है, वो अपना एक वैल्यूएबल टाइम दे रही है, पैसा लगा रही है. वो टाइम से बड़ी कीमती चीज़ कोई नहीं होती, तो उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है उनको बेस्ट देना चाहिए. तो ये राइट टाइम आ गया और उनकी डिमांड भी हो गई है. पहले ऑडियंस को जो दिया जाता था वो स्वीकार कर लेते थे कि हाँ इससे ठीक है, ये ऑप्शन ही नहीं हमारे पास. अभी उनके पास बहुत ऑप्शन हो गया, इंटरनेशनल भी हो गया है, इंडियन भी हो गया है, डिफरेंट लैंग्वेज, साउथ बहुत वर्क कर रहा है, कोरियन बहुत वर्क कर रहा है, हॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं जो इंडियन फिल्मों पे हावी पड़ रही हैं. अगर आप आमने सामने उनकी अगर ओपनिंग देखें तो ये टाइम आया कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वही चलेगा. तो ये एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, राइटर्स के लिए, कहते हैं ना, गोल्डन टाइम है. और ये मुझे लगता है ये बेटर ही होता जाएगा. जैसा बोनस को उल्टा हुआ कि मैंने कश्मीर में कश्मीर फाइल्स अपनी शूट की, उसके अलावा मैंने द फैमिली मैन किया, और अवरोध वेब सीरीज मेरी सोने लिप पे है, वो भी मैंने वहीं शूट की. तो वहाँ तो मुझे इतना प्यार मिला कि हर रोज़ जो मेरे साथ काम करते थे, को स्टार्स थे, जो वो लोकल थे, वो मुझसे इतना प्यार करते थे, हमारे उस लोगों से इतना प्यार करते थे कि हर रोज़ उनमें कॉम्पिटिशन था कि कौन अपने घर से बढ़िया खाना बना के लाएगा हमारे लिए. तो इतना प्यार मिला मुझे उन लोगों से, और उन्होंने अपने दिल की बातें भी की बहुत. एक मैं नाम ही लेना चाहूँगा, एक लड़का जो हमारे साथ को स्टार था, उसने ये कहा कि मैं बहुत मिस करता हूँ थिएटर में फिल्म देखना, आप लोगों की तरह मैं भी फिल्म देखना चाहता हूँ थिएटर में, और हो सका अगर जल्दी सब, अभी थैंक गॉड चीज़ें नॉर्मल होती जा रही है, तो जल्दी यह थिएटर में कैसे खोल सकता हूँ, आप मुझे कुछ बता सकते हैं प्रोसेस उसका. ये हो रहा है, मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ जो मेरी गाड़ी चला रहा था, वो कह रहे थे कि टूरिस्ट बहुत कम होते जा रहे हैं, जो उनके लिए टूरिस्ट ही सबसे बड़ा सर्वाइवल का, तो वो बहुत दिक्कतें होते जा रही हैं उनको. तो उनको रोजी रोटी चाहिए, काम चाहिए. तो मुझे लगता है कि
ये फिल्म शायद उनको भी अवेयर करेगी कि अगर हम प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, अगर हम चीजें पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये हर चीज हर हर इंसान को मैसेज देगा।